बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी ड्रग्स केस में एक और अहम जानकारी सामने आई है। एनसीबी ने शनिवार को शाहरुख खान के ड्राइवर से लंबी पूछताछ की। जानकारी के अनुसार ड्राइवर ने यह स्वीकार किया है कि उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को क्रूज टर्मिनल पर ड्रॉप किया। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेज कर उनसे भी ड्रग्स मामले में करीब 12 घंटे तक पूछताछ की है। एनसीबी ने ड्राइवर से आर्यन खान और उनके दोस्तों की एक्टिविटीज को लेकर पूछताछ की। एनसीबी के सूत्रों के अनुसार ड्राइवर ने यह कबूल किया है कि उसने आर्यन और अरबाज को क्रूज टर्मिनल पर छोड़ा। एनसीबी ने ड्राइवर का बयान दर्ज किया। सूत्रों से मिली जानकारी में ये भी सामने आया है कि आने वाले दिनों में शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान एनसीबी कोर्ट में इस्तेमाल करेगी। एनसीबी आर्यन खान के जमानत का अदालत में तमाम सबूतों के साथ विरोध भी करेगी। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आपके विचार क्या है, हमसे साझा कीजिएगा कमेंट सेशन के थ्रू। और इसी तरह से हर एक अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।